नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। आज आपके लिए एक तन और मन को ठंडक यानी शीतलता प्रदान करने वाला शीतली प्राणायाम का वीडियो लाई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में इसे जरूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं शीतली प्राणायाम। फ्रेंड्स, शीतली प्राणायाम का अर्थ ही शीतलता प्रदान करना होता है। तन और मन दोनों को शीतलता यानी कि ठंडक पहुंचाने वाला शीतली प्राणायाम। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये प्राणायाम हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अगर वो लोग शीतली प्राणायाम करते हैं तो उनका बीपी कंट्रोल में रहता है, उनका मन और मस्तिष्क शांत रहता है, काम डाउन रहता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अपने एंगर को जो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो लोग अगर शीतली प्राणायाम करते हैं तो उनके मन को मस्तिष्क को शांति मिलती है और उनका गुस्सा काम डाउन होता है, उनके मस्तिष्क को शांति मिलती है। तीसरा बेनिफिट ये है कि जिन लोगों को कम नींद आती हो, वो लोग अगर ये प्राणायाम करें तो उनको अच्छे से नींद भी आ जाती है। उसके बाद ये प्राणायाम हमारे मन और मस्तिष्क के साथ साथ यानी कि हमारी लीवर, हमारे पेट, हमारे अग्नि तत्व को शांति एवं शीतलता प्रदान करता है। उसके बाद जिन लोगों को अंदर की गर्मी हो, उन लोगों को गर्मी की वजह से पिंपल्स, अगर वो लोग शीतली प्राणायाम करें तो उनकी गर्मी भी धीरे धीरे कम हो जाती है और उनकी स्किन भी अच्छे से ग्लो करने लगती है। और हाँ, अगर ज़्यादातर दवाई खाने से या ज़्यादातर कुछ गरम गरम चीज़ खाने से जिन लोगों को मुंह के छाले की भी प्रॉब्लम हो, अगर वो शीतली प्राणायाम करें तो उन लोगों को उसमें भी बेनिफिट मिलता है। यानी कि शीतली प्राणायाम हमारे मन और तन दोनों को शीतलता एवं ठंडक प्रदान करता है। जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आ जाता है, घबराहट हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, उन सभी के लिए भी शीतली प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल है। यानी कि पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को भी अगर रेगुलर वो लोग शीतली प्राणायाम करें तो उन लोगों के लिए पित्त शांत हो जाता है और उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो इतना अच्छा ठंडक पहुंचाने वाला प्राणायाम को किस तरह से करते हैं, चलिए फ्रेंड्स उसके बारे में देखते हैं। शीतली प्राणायाम करने के लिए अपने घुटनों को फोल्ड करके अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पे रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं धीमे धीमे आपको पहले बता देती हूँ कि ये प्राणायाम अपनी जिह्वा से यानी कि टंग से करना है। अपनी टंग को धीरे धीरे एक ट्यूबनुमा आकृति यानी कि एक पाइप जैसा बनाना है। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि अपनी जीभ को किस तरह से बाहर निकालना है। सिर्फ इस तरह से बाहर नहीं निकालना, लेकिन दोनों कोनों से मोड़ते हुए बाहर निकालना है और एक ट्यूब नुमा आकृति हमारी टंग की बन। सबसे पहला स्टेप ये है, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ऐसा करने के बाद एक लंबी श्वास को अंदर ले जाना है, फिर श्वास को अंदर रोक देना है।
फिर उसी श्वास को अंदर रोक कर धीरे धीरे उसे बाहर निकालना है अपनी दोनों नासिकाओं से। इस क्रिया को 5, 7, 9, 11, 21 बार करें। जीवा से अंदर लिया हुआ श्वास ठंडा होता है, जो धीरे धीरे शरीर के सभी भागों में ठंडक प्रदान करता है। हाँ, लेकिन कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। हमें ये प्राणायाम सिर्फ गर्मी की सीजन में ही करना है, विंटर और मानसून में नहीं करना है। साथ ही साथ लो बीपी वाले, बलगम, वेट कफ, सर्दी कफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, और अगर आपको भूख कम लगती है या बहुत नींद नहीं आती, तो इस प्राणायाम को कभी भी न करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपने वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।